कनाडा से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, विजिटर वीजा के लिए अपडेट है, उन्हीं के लिए मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चाहे आपने फाइल लगाई हुई ऑलरेडी, चाहे आप सोच रहे हो इन केस ऑफ फ्यूचर में अपनी फाइल सबमिट करना, तो बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी रिफ्यूजल आ सकती है एप्लीकेशन में। जो पॉइंट अभी रिसेंटली चल रही है विजिटर वीजा वालों के साथ, ये जो चीजें चल रही हैं एम्बेसी की तरफ से आ रही हैं चीजें, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले एक ना आज वीजा है मेरे पास, ये वीजा सी हुआ है, इनका नाम है राहुल सिंह। इनकी पहले मैं आपको प्रोफाइल बता दूं, मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हो रही हैं। इनका इनविटेशन लेटर था, इनकी सिस्टर ने इनको इनवाइट किया था। इनके फादर नहीं है, ठीक है, ओनली मदर है। मदर की एज थोड़ी ज्यादा थी, वो बीमार भी थे एंड शी कैन नॉट ट्रैवल। इनका जो बर्थडे पर हमने लगाया था, बर्थडे पर, ठीक है, अभी स्टडी कर रही थी लड़की। एंड उसके बाद इनके पास फंड 17 लाख थे। एंड फंड के मामले में आपके पास बहुत बड़ी अपडेट है, वो बताऊंगा। रिफ्यूजल केस था, वन टाइम पहले कहीं से और से इन्होंने रिफ्यूजल लगवाई हुई थी। उसके बाद कोई अपडेट नहीं आती, जुलाई में कोई अपडेट नहीं आती, ठीक है, जून में कोई अपडेट नहीं आती। फिर हमें अगस्त में इनकी अपडेट आती है। फिर एम्बेसी क्या कहती है, एम्बेसी कहती है कि यार आई नो कि आपके पास 70 लाख फंड है, ठीक है, उन्होंने कह दिया कि आपके पास 70 लाख फंड है, आपने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपने ऑलरेडी फाइल सबमिट कर रखी है, सो अब हम चाहते हैं कि आप अपनी रीसेंट फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करो। मतलब क्या है कि वो कह रही है कि आपने बैलेंस सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उसी बैंक का बैलेंस सर्टिफिकेट सबमिट कर दो। वो कह रही है कि वी नीड बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मांगी, ठीक है, उन्होंने जिस तारीख को आपकी फाइल लगी थी उस तारीख से लेकर आज तक के रीसेंट, ठीक है, तारीख पा दी उन्होंने कि अब तक लाइक 13 अगस्त को एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई, मतलब कि 13 अगस्त तक आप पे जो 14 अगस्त तक 15 अगस्त तक जब भी आप सबमिट करो तो रीसेंट डेट तक आपकी बैंक स्टेटमेंट अटैच करके आपने पूरी भेजनी है, ठीक है जी। तो मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं एम्बेसी को कंसर्न हो रहा है जी फंड शो के नाम पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे इंडिया में पंजाब में है। आप गूगल पे जाओ फंड शो फॉर कनाडा, फंड शो फॉर ऑस्ट्रेलिया, आपको बहुत ही ज़्यादा पोस्ट, बहुत ही ज़्यादा आपको नंबर्स मिल जाएंगे। सो एम्बेसी को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल जाता है जब एक्सटेंसिव मार्केटिंग होती है ना। फॉर एग्जाम्पल यूके का चल रहा था जी आयल्स, बिना आयल्स चलो, बिना इंटरव्यू के चलो, अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुकी है यूके की। सो इसी तरीके से जब एक्सटेंसिव मार्केट होती है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ एम्बेसी के पास पहुँच जाती है। तो उन्होंने बोला कि 70 लाख फंड है, आप ऐसा करो कि हमें रीसेंट बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके पास 70 लाख फंड है। चलो मैं नहीं कहता आपके, आपने 70 लाख शो किया चाहे 10 लाख शो किया आपने, उसमें से चलो आपका 2 लाख कम हो गया, दैट विल बी जस्टिफाइड, ठीक है। अगर आपने आज 10 लाख शो किया, नेक्स्ट फाइल सबमिट करने के बाद आपने वो फंड निकाल लिए, आपके पास फंड ही 10 लाख में से 2-4 लाख रह गया, तो आपकी रिफ्यूजल आना पक्का है। सो इन्होंने भी यूज किया था फंड, इन्होंने 70 लाख शो किया था जब एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई, तब इनके पास 15 लाख ही था फंड, ठीक है, इन्होंने यूज कर लिए थे फंड, तो उसमें भी इनका जो वीजा है वो आ चुका है। अब कमाल क्या है जी, बहुत बड़ी है, आप चाहे फाइल लगाओ, ठीक है, मतलब जो भी आप फंड जितना शो करते हो उसको अपने अकाउंट में रखो, 1-2 लाख ऊपर नीचे हो गए दैट सफिशिएंट, बट आपको भी रिक्वेस्ट आ सकती है जो अगर आपने ऑलरेडी फाइल सबमिट कर रखी है, तो आप भी वी केयरफुल, आपको भी ये रिक्वेस्ट है जो आ सकती है एम्बेसी की तरफ से। सो इनका जो फाइनली है वो वीजा आ चुका है जी, क्योंकि इन्होंने फंड यूज नहीं किए थे, फंड निकाले नहीं थे। सो ऑलवेज आप जब भी अगर आपको इनकेस नीड पड़ती है तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो कि ये आई नीड फंड, ठीक है, मुझे फंड चाहिए क्योंकि आप फाइल में लगी हुई है। सो उसमें इतना ज़्यादा यूटिलाइज मत करो, तो आपको कंसल्टेंट बता देता है कि जी आप इतना यूज कर सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है जी कैनेडा विजिटर वीजे का, टूरिस्ट वीजे का, चाहे होटल बुकिंग है, चाहे आपका विजिटर वीजा, चाहे 1-2 रिफ्यूजल्स है, आप पुनीत इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट करो, हम आपका वीजा इन्हीं एप्लीकेंट्स की तरह लेकर आएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।